हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो एंड तक देखें, साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज जो हम बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं वो रैबिट्स फार्मिंग का है। ये बिजनेस कैसे शुरू होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कहाँ पर आप कर सकते हैं, आज ये आप जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि बहुत सारा बिजनेस है जो कि हर जगह हो रहा है और बहुत जगह चल रहा है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें बहुत कम लोग कम समय दे रहे हैं। साथ साथ इसका जो है फार्मिंग का काम बहुत स्लोली हो रहा है, कहीं कहीं पे हो रहा है, रेयरली हो रहा है। तो इस बिजनेस को किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक अपना बिजनेस का स्रोत बन सकता है या सेटअप तैयार हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसकी कैसे कैसे ब्रीडिंग करनी है, कहाँ कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। आप ये भी समझिए कि कोई आप जॉब में हैं तो भी कर सकते हैं। साथ साथ ऐसा नहीं कि जो लोग बेकार बैठे हैं या कुछ किसी कारण से जॉब चली गई है तो वही करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जॉब करने वाले भी कर सकते हैं, एक साइड बिजनेस हो सकता है जिससे आपका बहुत अच्छा अर्निंग का एक माध्यम बन सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कैसे करना है। रैबिट फार्मिंग है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लगभग 4 लाख इन्वेस्टमेंट होना। अब ये अप्रोक्स है, आप छोटे पैमाने पर करेंगे तो ये कम से भी हो सकता है। एक औसत निकाला गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर अच्छे पैमाने पर करना चाहते हैं और इससे कुछ अर्निंग के लिए कर रहे हैं सोच के, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। छोटे प्रोजेक्ट पर आप घर में जैसे पालते हैं पिंजरे लगा के वैसे भी कर सकते हैं, बस शुरू करने की ज़रूरत है। जब शुरू करेंगे आपको खुद समझ आएगा कि क्या करना है नहीं करना है। अब देखिए, इसमें एक यूनिट में 7 फीमेल होती है और 3 मेल होते हैं, तो इससे एक यूनिट तैयार होता है। दूसरा इसमें समझते हैं, तीसरा कि 80,000 टीन सेट में लग जाएगा। टीन सेट लगाएं या एस्बेस्टस का लगवा दें, एक सेट तैयार करना होगा। अब आते हैं कि इसमें इसका एक पिंजरा तैयार करना होगा, उसमें लगभग 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें आप बात करेंगे कि इसमें कितने यूनिट का हम कर सकते हैं, तो लगभग 40 से ज़्यादा यूनिट हम उसमें पाल सकते हैं, उसकी फॉर्मिंग कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो इसमें 1.5 लाख के लगभग लग जाएगा आपको फीडिंग के लिए। पूरा साल भर का अगर एस्टिमेट लगाया जाए उसका, तो आपको 1.5 लाख रुपए होना चाहिए जो कि उसके फीडिंग में जो भी खर्च आएगा तो इसके लिए हो सकता है। 1,20,000 मिसलिनियस होगा। 1,20,000 मिसलिनियस इसलिए होगा कि अगर उसमें से कोई बीमार होता है उसका मेडिसिन करना है या कुछ विशेष तरह का उसका सुविधा उसको होना चाहिए कि मौसम के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर न मिले, ज़्यादा ठंड कोल्ड न मिले, तो इस तरह से इतना आपको होना चाहिए कि समय समय के हिसाब से उसके मेंटेनेंस किया जा सके। अब साथ साथ अब ये जानिए कि 6 मंथ में ये ब्रीडिंग इनका हो जाता है। हर 6 मंथ पे ब्रीडिंग का होते रहेगा। अब साथ साथ फीमेल 1 साल में लगभग बताया गया है कि 5 से 6 बार वो प्रजनन कर सकती है। तो इस बिजनेस में अब पूछिएगा कि ये बिजनेस क्यों आपको ये जानकारी दी जा रही है। ये बिजनेस इसलिए जानकारी दी जा रही है कि इस बिजनेस में आप इसका मीट भी बेच सकते हैं। अगर कोई रैबिट के लिए आता है तो उसको भी बेच सकते हैं। साथ साथ इसका जो बाल है वो स्वेटर बनाने का काम आता है, तो इसका बाल भी बिकता है। तो इस तरह से आप बिजनेस करके एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब ये सब सारा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि किसी रैबिट फार्मिंग से जा कर ट्रेनिंग लेना। आप इसको जानेंगे, अगर छोटे पैमाने पर करते हैं तब तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के आप करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप जाके
एक महीने दो महीने जितना में आप समझ सकते हैं उनसे समझिए। और इनका फ्रेंचाइजी भी मिल रहा है, आप बड़े बड़े फॉर्म के पास जाइएगा तो ये लोग फ्रेंचाइजी देके और समय समय के हिसाब से उनको दवा देते हैं, फीड के लिए देते हैं और सब कुछ वो केयर करते रहते हैं। उनके पास अपना डॉक्टर भी होता है जो जाके मेडिकल चेकअप भी होते रहता है। तो इस तरह से आप ये ऐसा बिजनेस है कि आप चाहें तो गांव में कर सकते हैं, जहां हैं अगर सिटी में रहते हैं तो थोड़ी सी जगह है, जगह मिले लॉन है इस टाइप का जगह है, थोड़ा उसको इतना सुरक्षित बनाना है कि बाहरी कोई जैसे स्नैक्स हुआ या कुछ जो कैट कहते हैं ये सब रैबिट को हार्म पहुंचाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए ऐसा एक शेड बनाइए, एक पिंजरा बनाइए जिससे कि बाहरी कोई उसमें एनिमल्स कोई अटैक ना करे सॉरी और कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने आप को सेटअप कर सकते हैं, जॉब में हैं तो भी कर सकते हैं, घर में बैठे हैं तो और अच्छा है। पूरा समय दीजिए, पूरा सीखिए समझिए, बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों।